देखिए, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने देश की सारी संस्थाओं को एक मजाक का पात्र बना दिया है। अब तो लोगों को हैरानी भी नहीं होती, अब तो लोग पहले ही कह देते हैं कि अब राजस्थान के अंदर चुनाव हैं तो अब ईडी जो है वहाँ पे विरोधी पार्टियों के यहाँ जाएगी, मध्य प्रदेश में चुनाव हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव हैं। हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी हताश है और उनको लग रहा है कि लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी से कम हो रहा है, इसीलिए किसी तरीके से अपने विरोधियों को बैकफुट पे लाने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए ये सारी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। अब देखिए, एक सरकार में अगर 150 विभाग हैं तो 150 कथित घोटाले हो सकते हैं। उसमें क्या है, अपने ही किसी आदमी से कह के कंप्लेंट करानी है, राशन के ऊपर हो, कोयले के ऊपर हो, किसी भी पेपर के बारे में हो, कोई भी काम आपको रिक्रूटमेंट का हो, किसी भी मामले में आपको एक शिकायत लेनी है, फिर वो एक तथाकथित घोटाला होता है, फिर कुछ दिनों बाद उसको घोटाला कहने लग जाते हैं, फिर उसके अंदर आरोपियों को जेल में डालना शुरू कर देते हैं, फिर वो कहते हैं कि साहब देखिए ये तो बेईमान है। तो ये तो एक मजाक बन गया है कि जो असली घोटाले हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और विरोधियों को जो है सिर्फ डराने, धमकाने, परेशान करने के लिए जो है ये सब जो है एजेंसियों का इस्तेमाल है, हो रहा है, और जनता देख रही है, जनता सब समझ रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।